हेलो साथियों, जय माता दी। तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं सिद्धड़ा से, मतलब कि जम्मू से, अपना मचेल यात्रा, मचेल माता, जो कि किश्तवाड़ के आगे है। तो हम वहां जा रहे हैं अभी। तो अभी सुबह का टाइम हुआ 8 बजे, हम थोड़ा लेट निकले, तो हमने अपनी गाड़ी को चुनरी वगैरह भी बांध लिया। ये मेरे दोस्त है, मेरे फ्रेंड है, इसका नाम अमन है। हेलो अमन। हेलो, जय माता। बोल सारे। और दो दोस्त मेरे वो है, उनसे आपको मैं थोड़ी देर बाद में मिलाता हूँ। फिलहाल हम थोड़े ज़्यादा लेट हो गए हैं, हम थोड़ा निकल रहे हैं आगे और बताएंगे हम कि यहाँ से कितनी दूर है मचेल माता, कैसा कैसा रास्ता है। कि जय माता दी, मिलते हैं आगे आपको। तो साथियों, ये काली माता जी का मंदिर है जो कि उधमपुर जाते हुए रास्ते में आता है। श्रीनगर में इस रूट पर जा रहे होते हैं हम, जो यहाँ पे माथा जरूर टेकते हैं, इसलिए हम यहाँ पे रुके, माता जी का आशीर्वाद लिया कि हम अच्छे तरीके से जाएं और अच्छे अच्छे से वापस आ जाएं, कोई प्रॉब्लम ना हो। तो बने रहिए हमारे साथ, देखते हैं आगे। ये जो रास्ता है, ये श्रीनगर वाली साइड गया और ये रास्ता यहाँ से टर्न करके मचेल माता का रास्ता है। यहाँ में हमने टोडा के थोड़ी आगे आके यहाँ पे लंगर लगा हुआ था, मज़ा आ गया लंगर खाने का। हमने जहाँ पे सभी ने लंगर खाया और राजमा चावल और देसी घी भी था, बड़ा मज़ा आया खाने का। माता जी का झंडा और यहाँ मेरे पीछे लंगर लगा हुआ है और हम लंगर खा लिया हमने सभी ने लंगर। हम यहाँ से भी निकल रहे हैं, आगे जा रहे हैं। गाइस, हम लोग पहुँच चुके हैं अभी गुलाबगढ़ के बिल्कुल नज़दीक, क्योंकि वहाँ से ना हमें छोड़ा नहीं जा रहे थे, किश्तवाड़ से हमें छोड़ नहीं रहे थे, क्योंकि 6 बजे के बाद गाड़ियाँ नहीं जाने देती हैं। तो हम निकल गए, हमें किसी को फ़ोन वगैरह करके हमें रास्ता का बताया उन्होंने, तो हम निकल गए वहाँ से। और यहाँ से गुलाबगढ़ कम से कम अभी 49 किलोमीटर है, गुलाबगढ़ी वो लिखा हुआ है यहाँ से 49 किलोमीटर। थोड़ी देर में हम गुलाबगढ़ पहुँच जाएंगे, अभी नाइट स्टे करेंगे और कल सुबह के लिए हम पैदल यात्रा स्टार्ट करेंगे वहाँ से, गुलाबगढ़ से। अभी यहाँ से गुलाबगढ़ 49 किलोमीटर है, तो मिलते हैं आगे आपसे। और यहाँ का मौसम देखो कितना अच्छा है, शाम का नज़ारा है, कितने बड़े बड़े पहाड़ हैं, नीचे दरिया भी है, चिनाब दरिया। हम लोग पहुँच चुके हैं अभी गुलाबगढ़, अब 9 बजे हो गए अभी रात के, तो हम लोग 6 बजे निकले थे, तो अभी 9 बज गए हैं गुलाबगढ़ पहुँचने में। तो ये गुलाबगढ़ की मार्केट है, छोटी सी, बहुत छोटी नहीं, बहुत बढ़िया, काफ़ी सारे लोग आए हुए हैं यहाँ पे। यहाँ पे दिल्ली सुपर बाजार भी है, दिल्ली सुपर बाजार खुला हुआ है यहाँ पे, और खाने के लिए भी काफ़ी कुछ है, लंगर भी लगे हुए हैं, दुकानें भी काफ़ी सारी हैं और बाजार अभी खुला हुआ है। फिलहाल ऊपर की चढ़ाई तो बंद की है, सुबह 5-6 बजे खुलेगी चढ़ाई ऊपर की। तो अभी मिलते हैं आपको सुबह ही। ओके, जय माता दी। जय माता दी सभी को। अभी हम पहुंच गए हैं कुंडेल, और वो वाला पुल है कुंडेल वाला, जो पिछली बार खराब हो गया था, पर पिछली बार इन्होंने बना लिया था। तो आज से रास्ता ये वाला इधर से बंद है, नया रास्ता खुला यहाँ से, हम इस साइड से जाएंगे। तो थोड़ी ठंड है, बड़ा मज़ा आ रहा है, पहुँच गया टाइम से, तो मिलते हैं आपको आगे आगे थोड़ा। चलो, थैंक यू। साथियों, ये नया रास्ता है और बड़ा मुश्किल है, आधे घंटा रास्ता बड़ा मुश्किल है। कितने लोग आ रहे हैं बेचारे। तो साथियों, हम अभी नए रास्ते से जा रहे हैं, पहले वाले रास्ते से काफ़ी ज़्यादा अच्छा रास्ता है और काफ़ी डेवलप हुआ है। पहले वाला रास्ता बड़ा बहुत ज़्यादा खतरनाक रास्ता था, तो ये वाला रास्ता बड़ा अच्छा है, गांव से होते हुए जाएंगे नए रास्ते में, और पूरा प्लेन रास्ता थोड़ा आगे तक। पहले वाले रास्ते से बहुत ज़्यादा अच्छा है, पहला वाला रास्ता कठिन था, तो अभी और आगे जाके हम बताएंगे, आपको बताएंगे कौन सा आगे गाँव आएगा। और ये पहला लंगर था, ब्रेकफास्ट चाय और उन्होंने रखा हुआ था खाने के लिए थोड़ा कुछ, तो जो कि हमने थोड़ा खाया है। अभी हम आगे जा रहे हैं, अभी आगे आपको बताएंगे क्या क्या है आगे। इतना मज़ा आ रहा है यहाँ पे, ठंडी ठंडी हवा चल रही है और ये झरना और ये पुल और ये इतनी सारी दुनिया, बड़ा मज़ा आ रहा है।
अभी हम आगे जा रहे हैं अमन के साथ। पहले बड़ा कठिन रास्ता था, अब यूर रास्ता है, बिल्कुल अच्छा बन गया, ठीक बन गया। पहले जंगलों में से रास्ता था, देखो रास्ता भी इन्होंने बनाया। जो पुराना रास्ता है वो सामने से रास्ता पुराने वाला, वो ऊपर से जाके वहाँ से। तो ये देखो कितना लैंडस्लाइड हुआ यहाँ पे, और ये कितना कुछ गिर गया हुआ है नीचे। तो पुराना रास्ता बिल्कुल बंद ही हो गया, तो ये नया रास्ता बनाया उन्होंने, बड़ा अच्छा। जय माता दी साथियों, तो हम लोग अभी पहुंच गए हैं तिशोती। ये गांव है, यहाँ पे लंगर भी लगाया काली माता का इन्होंने आगे, तो वहाँ पे लंगर कर देंगे अभी, फिर आगे जाएंगे। तो पिछली बार जब हम आए थे तो तब ना वो बारिश हो रही थी, इस बार मौसम थोड़ा अच्छा है, तो थोड़ा घूमेंगे, थोड़ा इस गांव में देखेंगे क्या क्या। तो जैसा कि आपको पता कि यहाँ पे काली माता का मंदिर है, मैंने आपको अभी बताया, तो हम ऊपर जा रहे हैं माता टेकने। आ जाओ पीछे पीछे, बंद नहीं रहेगी। बहुत कठिन रास्ता है यहाँ पे, लेकिन फिर भी हम जाएंगे, देखते हैं मंदिर खुला कि बंद है। तो थक गए हैं बड़ा बड़ा ज़्यादा, फिर भी हम जाएंगे ऊपर। तो साथियों हम मंदिर में पहुंच गए हैं, कल माता जी के मंदिर में, और दर्शन करते हैं, वो आपको भी करवाते हैं। साथियों ये माता जी का मंदिर है दिशोती में, तो दर्शन कर लो, हमने भी कर लिए हैं। ये रास्ता यहाँ तक बड़ा कठिन रास्ता था, बड़ी मुश्किल से यहाँ तक पहुँचे हैं। और अब लोग नीचे देखो, कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूँगा वो नीचे दिखाएगा नीचे दिखाओ कि कितना नीचे है ये मंदिर, कितना ऊपर है वो दूसरा रास्ता, कितना नीचे है। ये गांव है छोटा सा, तो यहाँ पे ना माता जी का चित्र कितना अच्छा इन्होंने बनाया हुआ, आप देखो कि इन्होंने कैसे बनाया होगा। दुर्गा 18 गुफा वाली माता जी है, अच्छा चित्र बनाया हुआ है। बहुत बड़ा पहाड़ है, माता की शक्ति है वाकई। साथियों ये जो वो गांव है चिचोती, यहाँ पे लोग रेस्ट करेंगे अभी, काफ़ी लोग यहाँ पे लंगर वगैरह खाते हैं, खाना खाते हैं। बड़ा अच्छा सा प्यारा सा गांव है, माता का नाम लेते हुए हम भी आगे चलते हैं। जय माता दी। साथियों ये गांव पहाड़ों के बीचों बीच है, और बड़ा प्यारा गाँव है, कोई गर्मी कोई कुछ नहीं है यहाँ पे। और ये लंगर की संभावना आगे इन्होंने बनाई हुई है, लंगर की व्यवस्था की हुई है आगे, यहाँ पे लंगर लगा हुआ है माता जी का। आराम से जाना पड़ेगा, यहाँ पे पानी है, वहाँ से कुल होके भी रास्ता है। अभी खाना बना रहे हैं देखो, और खाना खाओ खिला भी रही है लोगों को, पैसे लेके इनकी भी आमदनी अच्छी हो रही है इन दिनों होती है। मज़ा ही मज़ा है माता के दरबार में, मज़ा ही मज़ा है। जय माता दी बोलते जाओ, आगे आगे बढ़ते जाओ। तो गाइस देखो कितना पानी है, कितना पानी का प्रेशर है, बहुत ठंडी हवा चल रही है, कितना मज़ा आ रहा है। अगर कोई यहाँ पे नहीं आया तो जल्दी से जल्दी आओ, माता के मत्था टेको माता के दरबार में, और यहाँ का मज़ा लो, जिंदगी का मज़ा लो यहाँ पे। साथी जो गांव था चिचोती आगे मोरी, वहाँ पहुँच चुके हैं, और ये यहाँ का ट्रेडिशनल सॉन्ग जो ढोल है वो चल रहा है यहाँ मेरे पीछे, तो कितना मज़ा आ रहा है। साथियों बहुत अच्छा व्यू यहाँ पे, देखो कहाँ से पानी आ रहा है वहाँ से, पर ये अभी यहाँ से चौपर जाएगा। तो गाइस अभी मंदिर का रास्ता ऐसे है, देखो आप पहाड़ी चढ़ चढ़ के फिर उतर, नीचे पानी है, थोड़ी देर में पहुँच जाएंगे हम, तो फिर उधर जाके आपसे बात करते हैं, आपको बताते हैं, दर्शन करवाएंगे माता जी के। तो अभी हम आगे जा रहे हैं,
और माता का मंदिर यहाँ से बिल्कुल सामने दिखाई दे रहा है। और जो मेरे साथ अमन था वो पहुँच चुका है, वो बोल रहा है कि बड़े ज़्यादा रश है, देखते हैं रश कितना है। फिलहाल माता का मंदिर ये दिखाई दे रहा है। साथियों यहाँ पे एक सिस्टम ठीक है कि अगर रूम ना मिले तो टेंट जरूर मिल जाता है रेंट पे। और इन देखो कितने अच्छे इनके हैं ये नाइट स्टे करने के लिए। हम हेलीपैड के पास जा रहे हैं, अभी ये हेलीकॉप्टर भी उठ रहा है यहाँ। साथियों हेलीपैड के बिल्कुल साथ में आई लव मचेल है, यहाँ पे टेंट लगे हुए हैं। हमारा टेंट ये ऊपर है, मैं यहाँ पे टेंट लिया तो अच्छा व्यू है यहाँ पे, जहाँ हमने टेंट लिया। साथियों हम लोग दर्शन करने जा रहे हैं, अभी लाइन बड़ी लंबी लगी हुई है, प्रसाद वगैरह ले लिया और दर्शन करने जा रहे हैं। हमारे पीछे तक बहुत ज़्यादा लंबी लाइन है, तो आगे बड़ी लंबी लाइन है, हम दर्शन के लिए जा रहे हैं अभी। क्या पता रात को 1-2 बजे तक हो, लंबी लाइन है, बड़ी स्लो स्लो लाइन चल रही है। हम भी जा रहे हैं धीरे धीरे माता का नाम लेते लेते। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। तो हम मंदिर के पास पहुंच गए हैं लगभग लगभग, बड़ा रश है, कितना लाइनें लगी हुई हैं यहाँ पे, यहाँ से लेके वहाँ तक लाइनें लगी हुई हैं। शिव जी भगवान से शुरुआत हुई है यहाँ से मंदिर के बाहर, और यहाँ पे जगराता भी है आज, और बहुत लोग भीड़, आज बहुत बड़ी ज़्यादा भीड़ है, जगराता भी है। साथियों हम मंदिर के पास पहुँच गए, बिल्कुल पास पहुँच गए, अभी हम अंदर जाके दर्शन करेंगे। जय माता का फ्रंट है, मंदिर का फ्रंट है, नीचे बैठिए। साथियों दर्शन हम कर रहे हैं अंदर से, ये बाहर का दृश्य है माता के मंदिर का, यहाँ रश है, यहाँ पे जय माता दी। हमने चंडी माता के दर्शन कर लिए हैं, बड़ा मज़ा आया दर्शन करने का, बड़े अच्छे से दर्शन हुए हैं। अभी ये मंदिर के बाहर का दृश्य है जो आपको दिखा रहे हैं यहाँ पे, आज जहाँ पे जगराता भी है इसलिए लोग सारे इकट्ठे हुए हैं यहाँ पे जगराता सुनने के लिए, और काफ़ी ज़्यादा रश भी है, अभी लाइनें लगी हैं, दर्शन चलेंगे पूरी रात आज। तो अभी इसके साथ ही आपको जगराता दिखाएंगे, कैसे कैसे यहाँ जगराता होता है और कौन आया जगराता करने, और मिलते हैं आपको थोड़ी देर के बाद।